Hello everyone, first of all welcome to my YouTube channel. Hope है you all are enjoying the video lecture series. जो last videos थे उसमें हमने देखा था कि जैसे CUET entrance होने वाला आपका, तो अभी आपको तैयारी करनी है, बहुत सारे टॉपिक भी रीड करने हैं, क्वेश्चंस भी प्रैक्टिस करनी है. तो लास्ट वीडियोस में हमने जैसे स्टीरियो केमिस्ट्री का कर लिया था, तो स्टीरियो केमिस्ट्री के किस टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं अगर आपने वो वीडियोस वॉच किए, मान लो कि हमने स्टीरियो में वो जो हमने बताया है आपको इंपॉर्टेंट है और आपने स्किप कर रखा है, तो आप वहाँ उसको जाके रिवाइज कर लोगे अपने नोट्स से जो भी टॉपिक है, क्योंकि वो क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपसे. तो आज की वीडियोज में भी हमारा एक मोस्ट वेटेज टॉपिक रहता है आपका इनऑर्गेनिक का, वो है आपका कोऑर्डिनेशन. आपको पता है कि कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री काफ़ी इनऑर्गेनिक का अगर आप देखोगे ना सबसे वास्ट सबसे अच्छा टॉपिक भी है, सबसे ज़्यादा वेटेज वाला, चाहिए वो आपका नेट का एग्जाम हो, गेट हो, आपका IIT एग्जाम हो या कोई भी एंट्रेंस हो. तो लाइक कोऑर्डिनेशन हो गया, ऑर्गेनोमेटालिक हो गया, बायो इनऑर्गेनिक वगैरह है, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर्स रहते हैं आपके इनऑर्गेनिक से. सबसे दो इंपॉर्टेंट हैं कोऑर्डिनेशन और OMC, ठीक है. तो आज के वीडियोस में हम बताने वाले हैं कि किस टाइप के क्वेश्चंस कोऑर्डिनेशन से पूछे जा रहे हैं. आप PYQ उठाओगे तो वहाँ से भी आपको थोड़ा आइडिया हो जाएगा, या जो भी कम्पिटेटिव एग्जाम्स में आते हैं तो हम उनको आपको बताने वाले हैं. तो देखो कोऑर्डिनेशन में एक क्वेश्चन तो आपका सिंपल्स मिलता है थ्योरी से. कई बार हमने देखा है कि CUSET एग्जाम्स में डायरेक्ट भी पूछ लेते हैं, जैसे हमने दो थ्योरी करते हैं आप स्टार्टिंग में जब करते हो, एक वर्नर थ्योरी आती है, बाद में आपका BBT CFT, तो इसने भी आपकी टू वैलेंसीज के बारे में, तो वैलेंसी से कई बार हमने देखा गया कि डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि प्राइमरी वैलेंसी किसको सेटिस्फाई करती है और सेकेंडरी किसको. हमने आपको बताया हुआ कि प्राइमरी वैलेंसी ऑक्सीडेशन नंबर को बताती है, सेकेंडरी कोऑर्डिनेशन नंबर को. तो एक नंबर का डायरेक्ट आपका डेफिनेशन बेस से क्वेश्चन आ सकता है कोऑर्डिनेशन से, ठीक है. सेकेंड इसका वही है आपका आइसोमर से क्वेश्चन पूछ सकता है कोऑर्डिनेशन में. सबसे इंपॉर्टेंट इसमें रहता है आपका CFT, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी. जब हम क्रिस्टल फील्ड जो एनर्जी हम CFS से निकालते हैं, अब CFS से अगर आप CUET एंट्रेंस की बात करो तो या तो आपका ऑक्टाइडल की या टेट्राइडल की या आपका स्क्वेयर प्लेनर की पूछ सकता है आपसे, स्क्वेयर प्लेनर की भी, आइकोसाहेड्रल वगैरह भी है आपका, लीनियर है, तो ये इंपॉर्टेंट है, इनकी आपसे पूछ सकते हैं, ये कर लेनी है आपको अच्छे से. हमने सारी जितनी भी CFSC है ना वो सारी डिस्कस की हुई है, MSC की वीडियोस में जाओगे आप इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के तो वहाँ पे जितनी भी CFSC आपके जो सिलेबस में नहीं है वो भी हमने कवर करवा रखी है वहाँ पे. अगर हम एंट्रेंस इसमें बात करें तो ये यहाँ नहीं आने वाले, तो यहाँ क्या करोगे, ऑक्टाइडल, टेट्राहेड्रल, स्क्वायर प्लेनर है, ये जितने भी CFSC है वहाँ से क्वेश्चन पूछ सकता है. मान लो कि आपका कॉम्प्लेक्स दे दिया, फॉर एग्जाम्पल CONH3+2 दे दिया, और आपको CFSC की वैल्यू चार ऑप्शन मिलेंगे कौन सी है. तो हमने आपको रूल भी बताया कि सबसे पहले आप क्या करोगे, ऑक्सीडेशन स्टेट फाइंड आउट करोगे, फिर उसकी कॉन्फ़िगरेशन कितने इलेक्ट्रॉन है, फिलिंग करोगे T2G Eg में, ऑक्टाइडल में, फिर आप फिलिंग कर दिया तो वहाँ से आप CFSC की वैल्यू कैलकुलेट करोगे. वैसे आपको ऑक्टाइडल टेट्राहेड्रल का ही कैलकुलेट करना पूछ सकता है. कई बार ये आ सकता है कि मान लो स्क्वायर प्लेनर है, लीनियर है, आइकोसाहेड्रल है या ट्राइगोनल प्लेनर है, तो उनमें ये पूछ लेगा कि हाईएस्ट एनर्जी कौन सा होता है, लोएस्ट एनर्जी. तो हाईएस्ट एनर्जी मान लो कि आपका होम, हमें पता है कि ऑक्टाइडल है, तो ऑक्टाइडल में जब आप फीलिंग करते हो तो नीचे आपका T2G रहता है, ऊपर Eg. मान लो किसी में 5 इलेक्ट्रॉन फील कर रहे हैं, ये कर दिया आपने, ये वो एक हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स है. आपको पता है कि दो टाइप के क्वेश्चन यहाँ से भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं, हाई स्पिन लो स्पिनर, लो स्पिन और हाई स्पिन कौन कैसे बनाता है, स्ट्रॉन्ग फील लिगेंड वाले आपको पता है पेयरिंग करवा देते हैं वो लो स्पिन बना लेते हैं, लेकिन वीक फील लिगेंड वाले क्या करते हैं वो हाई स्पिन. इस टाइप से आप कैलकुलेट कर लोगे जो भी वैल्यूज आए. तो कई बार क्या हो जाता है कि अब क्वेश्चंस मोस्टली देखोगे ना सिंपल एक कॉम्प्लेक्स देंगे और चार ऑप्शन देंगे, कम मिलते हैं वो, क्या मिलेगा आपको, कई बार आपको ऑर्डर्स भी मिलता है. मान लो कि 3-4 कॉम्प्लेक्स दे रखे हैं और उनको इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ पूछ लिया आपका, वेवलेंथ अब्जॉर्प्शन में पूछ लिया या एनर्जी में पूछ लिया. दैट मीन्स अगर किसी की एनर्जी ज़्यादा है तो ये सभी को बताएगी एनर्जी क्या होती है, H3/λ. तो एनर्जी ज़्यादा तो वेवलेंथ कम हो जाएगी आपका, तो ठीक है. तो यहाँ से क्या होगा कि कॉम्प्लेक्स दे देंगे अलग अलग. मान लो कि एक में अमोनिया कॉम्प्लेक्स है, सपोज दैट एक इसी में मैं कॉम्प्लेक्स ले लूँ CO(2-) एक वाटर. मान लो कि हमने 3-4 कॉम्प्लेक्स ले रखे हैं और आपको अरेंज करना हो इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ वेवलेंथ में, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी में, अब्जॉर्प्शन जो वेक्टर देखते हो CFSC की हाई वैल्यू में या लो स्पिन हाई से पे, तो सिंपल सबसे हमने रूल बताया हुआ है कि चेक करोगे आप लिगेंड कैसा है, वीक फिलिगेंड है या स्ट्रॉन्ग फिलिगेंड. अब आपको बताया कि स्ट्रॉन्ग फिलिगेंड हमेशा पेयरिंग करवा देता है, पेयरिंग करवा देता है, वो कौन सा टाइप का कॉम्प्लेक्स की फॉर्मेशन करता है, लो स्पिन करता है, ये सभी को पता है. तो इस टाइप से, और ये भी आपको पता है कि स्ट्रॉन्ग फिलिगेंड वाले होते हैं ना उनकी अब्जॉर्प्शन भी ज़्यादा मिलती है और CFSC एनर्जी किसी, तो ये रिलेट करके ये फैक्ट सारे हमने दे रखे हैं कि फैक्टर अफेक्टिंग CFSC क्या. हमें पता है कि स्ट्रॉन्ग फीलिंग इट आ जाता है ना तब CFSC की वैल्यू इंक्रीज हो जाती है. तो जो भी हमने इंपॉर्टेंट CFSC से रिलेटेड वीडियोज डाल रखे हैं, अगर आपके पास अभी टाइम है
और आपको टॉपिक बिल्कुल भी रिवाइज नहीं किया तो वो जाकर आप चेक कर सकते हो, उसमें मैंने कंप्लीट सीएफटी दे रखा है। और इसमें आपका जेटीडी से भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं, आपका जॉन टेलर की पूछा भी गया। सिंपल सा रूल होता है इसका, टी टू जी या इजी अनसिमेट्रिकल फिलिंग। कई बार क्या हो जाएगा कि टी टू जी भी अनसिमेट्रिकल और इजी भी, आपको दो में से चूज करना हो तो हमने ये भी देखा हुआ है कि जेटीडी सबसे बेटर कौन करेगा जिसमें इजी आपका अनसिमेट्रिकल फील्ड हो, ठीक है। तो उस टाइप से भी फैक्टर आपसे पूछ सकते हैं, जेटीडी से क्वेश्चन आ सकता है। इसमें एक तो आपको सीएफएससी कैलकुलेट करनी आनी चाहिए, ठीक है। डेल टी डेल ओवर रिलेशन से भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि 4/9 डेल नोट होता है, ये ऑर्डर पूछ लिया, ये इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग और एनर्जी वाला। तो स्ट्रॉन्ग फील लिगेंड को पहचानना आना चाहिए, कौन सा लिगेंड क्या करता है ये पता होना चाहिए आपको, ठीक है। और एक क्वेश्चन जिसमें आपसे पूछता है कलर का, कलर ट्रांजिशन का, आपको पता है कि जैसे इनर ट्रांजिशन वाले कलर्स होते हैं इसमें क्यों। अब मान लो कि कलर आपको चेक करना हो कि कौन डायमैग्नेटिक है, पैरामैग्नेटिक है, तो आप लिगेंड की कॉन्फ़िगरेशंस देख रहे हो, हाइब्रिडाइज़ देखोगे कि सारे फिलिंग हो रखे हैं तो डायमैग्नेटिक है, पैरामैग्नेटिक है, तो वहां से अनपेड इलेक्ट्रॉन है तो आपका पैरा है, नहीं है तो डायमैग्नेटिक है। तो कलर वाला पूछ सकता है। अब सिंपल उसमें तो ट्रांजिशंस में तो सिंपल अनपेड से, बट हम कोऑर्डिनेशन इसमें ये भी चेक करते हैं कि आपका जो जो कलर होते हैं वो अलग अलग ट्रांजिशन की वजह से, दो टाइप की ट्रांजिशन होती है, MLCT होती है, एक LMCT, जैसे आप KMnO4 में पढ़ते हो। तो इसमें क्या होता है कि मेटल से लीगेंड चार्ज ट्रांसफर और लीगेंड से मेटल चार्ज, ये दोनों टर्म डिस्कस की हुई है हमने बाद में, जैसे आपने 11th नंबर है BSc की भी जो आपकी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री थी उसमें भी आपने पढ़ा था रेसल जो सेड ट्रम सिंबल से। ट्रम सिंबल्स काफी इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं आपके लिए, ट्रम सिंबल्स आप देखोगे काफी इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आ ही जाएगा यहाँ से। तो ट्रम सिंबल्स आपको कैलकुलेट आना चाहिए, ये तो जरूरी है। अब मान लो कई बार ट्रांजिशन, तो स्पिन सिलेक्शन रूल क्या होता है आपका, ठीक है, ऑर्बिटल वाला क्या होता है, जे की वैल्यू कैसे, अगर लेस देन हाफ फील्ड है तो आपको पता है कि एल माइनस एस करना पड़ता है, ग्रेटर देन है तो एल प्लस एस करना पड़ता है, ये जनरल फार्मूला होता है ट्रम सिंबल का, 2s + 1 और LZ, ठीक है। तो इस टाइप से ये सारी थिंग्स आपको पता होनी चाहिए, ट्रम सिंबल से क्वेश्चन पूछ सकते हैं आपके। माइक्रोस्टेट से अगर हम इसमें बात करें तो एक क्वेश्चन माइक्रोस्टेट, मान लो कि P2 का निकालना है, तो हमने आपको बता रखा है कि जितनी इलेक्ट्रॉन होती है उसको लिखोगे, फिर जितना फैक्टर कितने इलेक्ट्रॉन है 2 है, तो 6 में से 2 है तो 4 6 5 4 4 2 से याद करो तो 15 आगे मान लो ऐसे। तो इस टाइप से आपको माइक्रोस्टेट से क्वेश्चन, ट्रम सिंबल से क्वेश्चन, ट्रांजिशन कलर वाला से क्वेश्चन पूछ सकते हैं आपसे, स्प्लिटिंग से क्वेश्चन पूछ सकते हैं आपके, और जो इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग ऑर्डर वाला, वो सारी थिंग्स। और इसमें ऑर्गन डायग्राम की बात करें तो आपका CUT में भी आ भी सकता है ना भी, फिर भी आप देखना चाहो तो देख सकते हो, ऑर्गन डायग्राम की वीडियो से देखी हुई तो उसके अंदर भी आप चेक कर सकते हो कि D2 D8 जैसे कैसे बनेगा, D1 D7 है तो क्या होगा। सिंपल सा दो ही ऑर्गन डायग्राम आपको देखनी है तो वो वहाँ से कर सकते हो, आपको पता नहीं अभी डायग्राम क्या होता है, ये तो डेफिनेशन तो नहीं, जो हमने इंपॉर्टेंट टर्म्स आपको बताई है यहीं से क्वेश्चन फ्रेम होएगा। वो एग्जांपल जरूरी नहीं है, ले कोई भी एग्जांपल से ले सकता है आपका, किसी भी कॉम्प्लेक्स की वैल्यू कैलकुलेट करवा सकता है, उसकी CFSC की वैल्यू कैलकुलेट करवा सकता है, डेल्टी डेलो निकलवा सकता है, उनको इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग ऑर्डर वेव लेंथ एनर्जी में कैलकुलेट करवा सकता है, मेटल चार्ज ट्रांसफर वाला, ट्रम सिंबल्स किसी का भी पूछ सकता है आपका, ट्रम सिंबल्स भी पूछ सकता है आपका, कॉन्फिगरेशन देखे कितने होंगे। तो ये सारी थिंग्स आ सकती है, काफ़ी सिंपल भी हैं, और हमने ऑलरेडी ये जो भी थिंग्स हमने बताई हैं सारी हमने डिस्कस की भी, क्योंकि ये जो सिंपल नीचे वाले थे ये तो बेसिक्स है, आपकी BSc में भी आ जाती है ये, ठीक है, जो भी स्टूडेंट्स MSc के टारगेट कर रहे हैं, ठीक, उनके लिए तो आपका। और अगर जो 12th के बाद एग्जाम देने वाले हैं CUET का, मान लो कुछ इंटीग्रेटेड केमिस्ट्री में कर रहे हो या किसी अनदर सब्जेक्ट्स में, तो उनके अंदर केमिस्ट्री का लेवल बिल्कुल बेसिक, मतलब 12th तक जो आपने सीखा है ना उसमें से रहेगा। बट अगर आप एंट्रेंस को टारगेट कर रहे हो, MSc एंट्रेंस को, MSc में एडमिशन लेने के लिए कर रहे हो, तो BSc लेवल तक की ही आती है आपकी, ठीक है। तो वो लेवल चेंज हो जाएगा कि आप कौन सी वो टारगेट कर रहे हो, कि आप 12th के बाद दे रहे हो CUET का एंट्रेंस या आप BSc के बाद देख रहे हो, ठीक है। तो दोनों का लेवल ऑफ क्वेश्चन उसी क्लास पे डिपेंड करेगा ना, 12th तक आएगा या आपका BSc तक आएगा, बट नॉर्मल क्वेश्चन रहेंगे, इन डेप्थ कुछ भी नहीं आने वाला, बिल्कुल डायरेक्ट क्वेश्चन होंगे। अगर एक बार आपने नोट्स को अच्छे से पढ़ लिया ना और देख लिया PY की स्टेप से, तो आप इजिली कर लोगे क्रैक, ठीक है। और कोई भी आपको हेल्प चाहिए तो आप कमेंट के थ्रू या मेल के थ्रू कर सकते हो, आई विल ट्राई टू गिव यू द सॉल्यूशंस ऑफ योर प्रॉब्लम, ठीक है। थैंक यू एंड हैप्पी लर्निंग, एंड प्लीज डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल इफ यू गेट द बेनिफिट फ्रॉम दैट चैनल, ठीक है। थैंक यू।